गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी भाई? आज तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की वजह भी आप लोग हैं। बहुत सारे बच्चों ने इतने सारे कमेंट्स काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। खैर, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे शायद, TGT, PGT, किसी के अभी एग्ज़ाम्स गए भी हैं, KVS का, या फिर इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स भी, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आप लोग बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैम इसको पढ़ा दीजिए, और मैं काफ़ी टाइम से यार इसको डिले करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, क्योंकि वीक में सिर्फ 3 ही क्लास मिलती है मुझे, वेनसडे, मंडे, वानसडे एंड सैटरडे। फिर उसमें एक स्पोकन की भी क्लास होती है। फिर मेरे जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे हैं, SSC और बैंकिंग वगैरह के, तो उनके लिए भी क्लास रहती है, और एक स्पेशल क्लास हम लेके आते हैं वोकेबलरी की। तो थोड़ा टाइम कम मिल पाया इसलिए थोड़ा लेट हो गया, पर आज टॉपिक फुल रिसर्च के साथ आपके सामने है। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब जिसके एग्ज़ाम में आता होगा सिर्फ उसी के लिए काम का होगा, जिसके में नहीं आता होगा। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को कुछ लोग इस नाम से जानते हैं कि सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना, नेगेटिव को इंटरोगेटिव में चेंज करना, या फिर इंपैरेटिव में चेंज करना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपको मजे की बात है कि जो आपका वॉइस चेंज होता है, जो आप पासिव वॉइस में चेंज करते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर ये क्या खिचड़ी बनी हुई है इसको इधर इधर ट्रांसफर करना? भाई एकदम सिंपल सी बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। मैं हर एक कभी भी आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा फर्स्ट फोकस रहता है कि आप चीज़ों को ऐसे ऐसे नहीं लेके जाएं, हाँ हाँ ऐसा नहीं, आप उसके डीप में जाएं, और सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में, पूरी जान। उस टॉपिक का नाम कहता है यार। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि एक्चुअली खिचड़ी क्या है। क्या इसमें सिंपल कंपाउंड पढ़ना है, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं, या फिर इसमें वॉइस वाला एक्टिव पासिव पढ़ना है? होता तो ये सब है। इससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। एक मेरा फाउंडेशन बैच आ गया है। फाउंडेशन बैच का मतलब है एकदम बेसिक से, जीरो से, जिन्हें भाई ऐसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंग्लिश में कुछ नहीं आता, और इंग्लिश में बहुत कुछ करना है, क्योंकि इंग्लिश के बिना तो फिर किसी एग्जाम्स में आप हो नहीं पाएगा मैनेज यार। तो इंग्लिश को छोड़ गए तो वो जमाना चला गया कि छोड़ो, इंग्लिश में पासिंग पासिंग सा हो जाएगा, मैथ्स के उस पर खेल लेते हैं, तो ये तो पॉसिबल अब रह नहीं गया। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, और मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं लेती हूँ कि एक एक साल के बैच, वो नहीं, एकदम रेगुलर क्लास रहेंगी, डेली 2 घंटे क्लास रहेंगी। तो आपका जो बैच शुरू हो रहा है 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है, मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर ले, ओशन गुरुकुल्स। ओके, चलिए जी, अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, इसके अंदर पढ़ना क्या होता है। सबके मन में ऐसा सवाल है या नहीं? सबको पता है? अच्छा, आप में से कुछ लोगों को तो नहीं पता होगा यार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। क्या सबको पता है? कोई कोई मुझे बताएगा कि नहीं पता मैम? देवेश जी शुक्रिया। आकाश, राहुल, नेहू, सानम, किसी को पता है कि ये होता क्या, मतलब इसके अंदर पढ़ना क्या होता है? हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आज मेरा फर्स्ट डे। ओके जी, वेलकम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सबको भी। नमस्ते, राम राम, शाम शाम, हनुमान हनुमान, मतलब जो भी आप बोलना चाहें, सब कुछ है ना। शुभ संध्या, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वो भी जो भी, मतलब जो जो आपकी आपकी कम्युनिटी में यूज होता है सबके अनुसार। हाँ जी, मैं कुछ नहीं पता ना, देखो बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि ये टॉपिक क्या है ना। अभी इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, कैसे एग्जाम में आता है, कुछ नहीं पता। तो भाई देखो, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखनी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, मध्य प्रदेश के जेल प्रहरी तक के एग्जाम्स हैं जिनमें इस टॉपिक को पूछा जाता है। यूपी के स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सब में, या फिर LDC वगैरह में, तो सब में ये टॉपिक पूछा जाता है, और अच्छे वेटेज पर पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया भाई, पांच पांच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं,
ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है, ध्यान से सुनिए भाई। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना मतलब कि नाम ही कह रहा है कि सेंटेंस को बदलना है, राइट। अब सेंटेंस को बदलना इतनी बड़ी बात कहाँ है, सेंटेंस को तो बदलना है पर सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मीन्स स्ट्रक्चर बदल सकते हो, सेंटेंस को उठाकर इधर उधर कुछ भी ऐड कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ भी करिए, बट सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अच्छा वॉइस में भी तो ऐसा ही होता, राम ने क्रिकेट खेली, क्रिकेट राम के द्वारा खेली गई, तो एक्टिव टू पैसिव क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। अच्छा मैंने कहा एक नॉर्मली अफर्मेटिव नेगेटिव एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने कहा मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, अगर मैं आपको इसको नेगेटिव बनाने को कहूँ तो क्या बनाओगे? आई एम अ गुड गर्ल, ये मैं कह रही हूँ, अगर आपको मैं नेगेटिव बनाने को कहूँ तो आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई होप मे बी बहुत सारे तो ये बनाए, आई एम नॉट अ गुड गर्ल, राइट। पर अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा आई एम अ गुड गर्ल और आप इसका नेगेटिव ये बना रहे हैं कि आई एम नॉट अ गुड गर्ल, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यही तो नहीं करना यार, यही तो हमारी गलती है। जो फर्स्ट रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका मतलब है सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं आई एम नॉट अ बैड गर्ल, तो सेंस नहीं बदल रहा। आप कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये कोई कंपल्शन रूल भी नहीं होता कि जिस तरीके से मैंने बनाया उस तरीके से आप भी बनाएं, तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बट एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप वर्ड्स को चेंज करते हैं, सेंटेंस के पूरे फॉर्म को चेंज कर देते हैं, बट वन थिंग इज नेसेसरी विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, फिर ऐसे तो भाई कुछ भी हो सकता है, अगर मीनिंग चेंज करेंगे तो फिर तो बहुत आसान चीज़ हो गई। समस्या ही तो यहाँ है कि मीनिंग नहीं चेंज करना, वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो अभी जो राजस्थान LDC एग्ज़ाम है उसके बहुत सारे बच्चों के मासेजेस थे, तो उनके में जो सिलेबस में मेंशन है उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस बनाने आ सकते हैं आपको एग्जाम में, नेगेटिव टू अफर्मेटिव भी बनाने आ सकते हैं, ठीक है जी। अगली बात करें, इंटरोगेटिव टू असर्टिव आ सकता है या फिर असर्टिव टू इंटरोगेटिव, ऐसे भी आपके सिलेबस में मेंशन है। मैं अलग अलग एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, आप अपने एग्जाम का सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, हो सकता है किसी के में सिर्फ ये अफर्मेटिव नेगेटिव का ही सेंस दिया हो और कुछ के एग्जाम्स में सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सिंपल को कंपाउंड में चेंज करिए, कंपाउंड को सिंपल में चेंज करिए, कभी कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाइए, कभी कंपाउंड से सिंपल बनाइए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखने में तो बहुत आसान लगते हैं कि क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, सिंपल वो कंपाउंड में चेंज करना, पर नहीं यार, बहुत ही सेंसिबल टॉपिक है, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और इंग्लिश की फुल ऑन अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा ये पढ़ाना शुरू करूँ यार, ऐसे शुरू कर देती हूँ, अफर्मेटिव टू नेगेटिव ऐसे बदलता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव टू असर्टिव ऐसे बदलता है, सिंपल में कॉम्प्लेक्स, ऐसे तो सबने पढ़ा रखा है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है जहाँ पर इस बात से शुरू हो जाती है कहानी कि ये लो ये है सिंपल, ये है कंपाउंड, इसको ऐसे चेंज कर देते हैं। पर यार कोई भी वीडियो इस तरीके की अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं है कि कोई ये बता पाए, चेंज करना तो बाद की बात है यार, सबसे पहले हमें ये तो बता दो कि ये होते क्या हैं। अगर मैं आपको ऐसे ही जनरली अगर मैं आपसे पहचान पूछूं, है ना, ये आप हैं और ये मैं हूँ, एक्चुअली ये मैं हूँ और आपसे ये पहचान पूछ रही हूँ, भाई चेंज तो बाद में करोगे ना, पहले तो उसकी पहचान तो बता दो कि आप पहचान जाते हो क्या कि ये सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स, मुझे बताना। क्या आप सेंटेंस की पहचान, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपको दे दूँ, क्या आप ये पहचान पाएंगे कि ये सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? जिस जिसको अपने आप पे बिलीव है प्लीज़ मुझे थम्स अप भेजेंगे, यस मैम हम पहचान लेंगे कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, और जिसे नहीं आता उसको तो मैं सिखा ही दूंगी, ठीक है। बताओ मुझे जिस जिसको आता हो बता दो, या फिर नहीं आता तो मैं सिखा दूं, ये भी बता सकते हो, आता है नहीं आता है, आता है
अच्छा देखो, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें आता है कि सिंपल कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स 50% आता है, ये कौन सा लेवल होता है 75%, 50%, 50% आता है। 50% मतलब क्या, सिंपल को पहचानते हो कंपाउंड को नहीं पहचानते, या फिर कभी कभी पहचान लेते हैं हम कंपाउंड को, कभी कभी नहीं पहचानते। भाई आपका पड़ोसी है जो हाइट में काफी मतलब हाइट अच्छी है, रंग बहुत काला है, तो आप उसको पहचानते हैं कि मेरा पड़ोसी है, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है, ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि कभी कभी पहचानता हूँ मेरे पड़ोसी को मैं। ये तो थोड़ी अजीब सी बात लगती है, 75% जानता हूँ, 50% नहीं जानता। भाई पहचान तो पहचान होती है, अगर आप किसी को पहचानते हैं तो 100% पहचानते हैं, और अगर नहीं पहचानते तो आप उसे पहचानते ही नहीं हो। ये 50-75 का कोई सा क्राइटेरिया नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप में ना कोई कमी है, आपको पता ही नहीं, पहचानते हो ही नहीं आप। मैं आज आपको पहचान सिखाती हूँ। भाई एक बात बताओ, जब आपको यही नहीं पता कि कंपाउंड ये होता है तो चेंज कैसे करोगे? भाई पता तो हो कि कंपाउंड ऐसा ऐसा दिखता है, और फिर ऐसा ऐसा दिखता है तो मैं इसको फिर ऐसा ऐसा दिखाऊं, ये तभी तो दिखाओगे जब इसको पहचानोगे। समस्या ही यहां पर है। आप सीधा शुरू कर देते हैं सिंपल टू कंपाउंड चेंज करना, पर आप में से बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि कौन सा सिंपल, कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स। चलिए फिर भी मैं मान लेती हूँ कि आप में से 10, 20, 30, 50% लोगों को पता है कि कौन सा सिंपल, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कंपाउंड। तो फटाफट आपके पास 1 मिनट है और मुझे जल्दी जल्दी बताते जाइए कि ये सेंटेंस कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा। छे के छे के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे। अगर आप लिखते हैं कमेंट सेक्शन में और फिर मैं भी बताऊंगी और चेक कर लें, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आता तो बेटा पूरी क्लास देखेंगे, तो अगले 10 मिनट में ये भी समझ जाएंगे कि सिंपल क्या, कंपाउंड क्या और कॉम्प्लेक्स क्या। बताओ, फर्स्ट सेंटेंस है साक्षी, बहुत अच्छे। साक्षी तुम मुझसे बैच में पढ़ती हो, है ना, और मैं अब आपको पहचान गई हूँ क्योंकि बैच में भी आप काफी एक्टिव रहती हो। आपका तो मैं आना आना नहीं मानूंगी। पहला सिंपल सेंटेंस है, ओके अनुराग, वेरी गुड। राहुल जी, महिमा, 2, 3, 4 सिंपल है मैम, ओके। कविता, फर्स्ट सिंपल है। सूरज कहते हैं कॉम्प्लेक्स है। ज्योति कहती है कंपाउंड है। भाई ये तुम सलाह कर लो ना यार आपस में, ये तुम ऐसे गड़बड़ गड़बड़ क्यों कर रहे हो? पहला कंपाउंड है, या वेरी गुड। पहला कॉम्प्लेक्स है, नहीं मैम नहीं, सिंपल है। ओफो ओफो, अच्छा पहला सिंपल बहुत लोगों को लग रहा है, मैं तो मतलब पहले की बात कर रही हूँ। पहला ही सिंपल है, ही सैड डेट ही वॉज इनोसेंट, लग भी बहुत सिंपल रहा है, मुझे भी सिंपल ही लग रहा है। मतलब जब तक मेरे को भी नहीं पता था तो मेरे को भी ये सिंपल ही लगता था, ही सैड डैट ही वॉज इनोसेंट। बट आप गलत हैं, टोटली गलत हैं, ये सेंटेंस सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है यार। आप अपनी हालत देखिए, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप बेसिक ही नहीं जानते, प्रॉब्लम ही ये है। हर चैप्टर में जितने भी स्टूडेंट्स को मेरी एप्लीकेशन पे पढ़ाती हूँ, जैसे जो बेसिक से बैचेस को शुरू करते हैं, उनकी समस्या ही ये है, उनका बेसिक की जो 9th 10th 8th में जो आपको बनना चाहिए था आता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अगला अगला सेंटेंस आपने देखा, टेल मी योर एड्रेस, ये तो सबने सिंपल बताया होगा। चलो 3 और 4 सिंपल है, ओके। 2 सिंपल नहीं है, सिंपल सेंटेंस नहीं है 2। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर सिंपल है यार। वी ईट टू लिव, फिर आपको लग रहा है पता नहीं, ये भी थर्ड तो सबको सिंपल लग रहा है। और ये ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल पनिश, फिफ्थ क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, 2, 3 सिंपल है, 4 नहीं है। वाह, सब गलत 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 बताए जा रहे हो। कोई का सा कॉम्प्लेक्स लगता है तुम्हें? कोई सा भी कॉम्प्लेक्स भी नहीं लग रहा। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, ब्लर है वीडियो, वीडियो ब्लर अगर है तो आपके पास से हो गई यार, मेरे पास से तो ब्लर नहीं हो सकती क्योंकि मेरा इंटरनेट तो ठीक ही चल रहा होगा। ये क्या है, फिफ्थ सेंटेंस को भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स है। चलो ठीक है भाई, ये कॉम्प्लेक्स है पर गलत है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कंपाउंड सेंटेंस है भाई, ये कॉम्प्लेक्स, सिंपल सिंपल सिंपल, ये फिर हमारा कंपाउंड और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स। तो पता नहीं तुम्हें नहीं आता था, इट्स ओके मैं यही मान के चलती हूँ कि नहीं पता। अब हम एक एक करके, अच्छा अभी अपनी हालत देखी आपने,
और अभी 10 मिनट बाद अपनी हालत देखिएगा, कोई भी सेंटेंस नहीं है दुनिया का आप बता पाओगे कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। जब तक हम इसको पहचानते नहीं, ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे यार, है ना। चलो सबसे पहले मैं आपको सिंपल की पहचान बताती हूँ। देखो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको टॉपिक आएगा, आपको बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें इंग्लिश के बारे में कवर होंगी। सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस की तरफ। बच्चा इसकी पहचान है कि इसके अंदर एक ही वर्ब होती है। क्या होती है? एक ही वर्ब, और इस वर्ब का नाम नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होता, एडवांस वर्ब नहीं होता, इस वर्ब का नाम एक्शन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट इसके अंदर नहीं आता। अब हो सकता है आदों को ये नहीं पता कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। मैम ये कौन सी भाषा आपने बोल दी, क्या ये जापनीज है? जी नहीं, ये जापनीज नहीं है, है तो ये इंग्लिश ही, पर कोई बात नहीं, नहीं आता। मैं और सिंपल भाषा में कहती हूँ, जिस सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट वर्ब होती है। अब इंडिपेंडेंट नहीं पता होगा, इंडिपेंडेंट नाम से पूछिए, इंडिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसका खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब होती है, मतलब कि इसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेंटेंस में से बाकी सब काट दो, ये अपने आप को पूर्ण मानती है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है, एक का, कितनी वर्ब का? एक वर्ब का, दो नहीं होती, एक वर्ब। मैं बार बार सुनिए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है विद सब्जेक्ट तो वो फाइनाइट वर्ब है और उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दो मिनट ध्यान से सुनना, अभी देखना आप सारे सेंटेंस पहचान दोगे। अगला देखिए, अगला हमारी पहचान है कंपाउंड। अब वर्ब को मैं एक लड़की मान लेती हूँ, इसके अंदर एक ही लड़की है, ठीक है, उसका अपना सब्जेक्ट है, इट्स ओके। अब हम कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड, जैसा कि कंपाउंड योग कहता है, वन प्लस वन योग, इसके अंदर टू वर्ब्स होती हैं, पर ये जो दो वर्ब होती हैं, होती तो अलग अलग कपड़ों में हैं, होती तो ये लड़कियां भी अलग अलग हैं, पर इनकी जो हाइट है ना वो एकदम सेम होती है। हाइट कितनी? सेम। मतलब क्या? मतलब कि इसके अंदर दो वर्ब होती है, इसके अंदर एक होती है, इसके अंदर दो वर्ब होती है, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट होती है, ना इसको इससे फर्क पड़ता, ना इसको इससे फर्क पड़ता। अच्छा, इन दोनों को आपस में फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं, इनको आपस में फर्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वर्ब्स। ना उसको उससे फर्क पड़ रहा, ना उसको उससे फर्क पड़ रहा, तू भी रह ले घर में, तू भी रह ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इनकी हाइट भी सेम होती है, इसकी जितनी वैल्यू है इसकी भी इतनी वैल्यू है, कोई कम ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब समस्या आती है कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स क्या है? जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये दो लड़कियां इक्वल हाइट, होती तो इसमें भी दो वर्ब है, जैसा कि इसका नाम कह रहा है कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लिकेट, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है ये, पर टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लास के बाद बिल्कुल मुश्किल नहीं रहने वाला। होती इसके अंदर भी टू वर्ब्स ही है, बट एक थोड़ी डोमिनेटिंग होती है और एक थोड़ी उसके पीछे पीछे चलने वाली, मतलब कि एक बड़ी बहन, एक उससे छोटी बहन। ये कैसे पहचानेंगे मैम कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? इसको पहचानने का तरीका हम आपको बताएंगे। एक होगी डिपेंडेंट, एक होगी इंडिपेंडेंट। इस छोटी को छोटी छोटी बात के लिए भी अपनी बड़ी बहन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर बड़ी बहन नहीं तो छोटी बहन की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। अभी हम इस चीज को ना थोड़ा लगाने का कोशिश करते हैं। दोबारा देखिएगा, अगर सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ब है और वो इंडिपेंडेंट है, उसका खुद का सब्जेक्ट है, उसे फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर दो हैं, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल इक्वल पोजीशन। अब जो तीसरा है जो कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर भी है तो दो ही, पर एक दूसरी पर डिपेंड कर रही है, अगर दूसरी ना हो ना तो एक की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंस देती हूँ आपके सामने। फर्स्ट सेंटेंस, ही मस्ट वर्क हार्ड। चेक करेंगे जरा, सब्जेक्ट कहाँ है? ही। वर्ब कहाँ है? वॉक। तो ही मस्ट वॉक वेरी हार्ड। एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, सिंपल बात, एक वर्ब है, और अगर एक वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया फिर? इसके अंदर तो दो हो गई मैम, राइट। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। क्लोज एंड फ्रेज भी भाई सिखाएंगे, क्लोज फ्रेज की वीडियो मेरी होगी, डाल लीजिएगा क्लोजेस बाय सुमन सूर्यवंशी, यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी जब मुझसे क्लोज और फ्रेज पूछ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वाले में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। क्या ये अभी भी सिंपल सेंटेंस है?
या कुछ बदल गया? अनुरागी कंपाउंड हो गया? ओके। महिमा जी कहती है मामी कॉम्प्लेक्स हो गया? ओके। ओम प्रकाश ये कंपाउंड हो गया? ओके। ये सेंटेंस कैसा है? अरे जल्दी, आशीर्वाद मेरा तुम्हारे पास ही है सत्यम। कंपाउंड हो गया प्रिया, ओके। एम्प्टी सेल्फ कॉम्प्लेक्स हो गया मैम, ओके। क्या ये सेंटेंस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो गया? भाई बहुत बेसिक वीक है तो मेरी या तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस बेसिक से पढ़ लो, पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ जो मुझसे अभी कनेक्ट हुए होंगे वो ऐसे तो कोई कनेक्ट नहीं हो रहा होगा कि हाँ मतलब ऐसी फालतू फंड में। डेफिनेटली उसके कोई एग्जाम्स हैं, वो अपने करियर के लिए फाइट कर रहा होगा, इंग्लिश के लिए फाइट कर रहा होगा, और अगर आप उनमें से हैं और गलत कहीं ना कहीं आंसर दे पा रहे हैं तो आपको बहुत नीड है बेसिक से पढ़ने की। इसका मतलब आपने मेरी जो पिछली वीडियो है एडवांस वर्ब वो नहीं देखी, राइट? देख लेना। हाँ जी, चलो मैं चेक करती हूँ, जो मैंने बताया वो चेक करती हूँ। ही हमारा सब्जेक्ट, वॉक, वॉक वेरी हार्ड, ये वर्ब है, ओके। आपको शायद लग रहा होगा टू मेकअप, ये भी तो वर्ब है मैम, टू मेक, चलो इसका मान लेते, ये भी तो वर्ब है। भाई किसने कहा तुम्हें ये वर्ब है? क्या ये जो वर्ब है इसका कोई सब्जेक्ट तुम्हें नजर आ रहा है? ये तो टू प्लस वी वन है, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। यहाँ तो कोई वर्ब ही नहीं है। एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, वर्क का सब्जेक्ट है, पर व्हाट्स अबाउट टू मेक? क्या टू मेकअप का कोई सब्जेक्ट है? क्या ये प्रॉपर वर्ब है? क्या ये फाइनाइट वर्ब है? नहीं, ये तो पर्पस इंडिकेट कर रही है, इसे टू प्लस इन्फिनिटी कहते हैं। ये वर्ब है ही नहीं, और अगर ये वर्ब है ही नहीं, अभी सिखाऊंगी फिर आपको, ये भी नहीं आता, मैं ये भी सिखाऊंगी फिर आपको, है ना। देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। और आप देख लें इसमें सिंपल है, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। द टीचर पनिश्ड द बॉय, आपने देखा सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है, राइट? ये एक सिंपल सेंटेंस है। ही वॉज वेरी अनलकी, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा। क्या स्टेट भी एक तरीके की वर्ब होती है? मैंने कहा आई एम अ टीचर, क्या ये एम यहाँ पर वर्ब है? जी हाँ, एक्शन ही सिर्फ वर्ब नहीं होता, स्टेट भी वर्ब होती है। मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, तो इसमें क्या कोई वर्ब ही नहीं है? आपको आपकी सहूलियत के लिए बता दूं, किसी भी सेंटेंस में एक भी वर्ब ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम एक वर्ब और ज़्यादा से ज़्यादा चार तो होंगी ही होंगी, है ना जी। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई वर्ब है, और वो वर्ब क्या है? अब वेरी और अनलकी को तो वर्ब मत बना देना, ऑब्वियसली वॉज भी यहाँ पर एक वर्ब है जो कि एक स्टेट दिखाती है, एक अवस्था दिखाती है, क्लियर? ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा आगे की जो मेरे रिकॉर्डेड बैचेस, मींस जिसका एग्ज़ाम एकदम पास हो कि एक दो महीने बाद है, वो मेरे रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। सिर्फ जिसका वोकैबुलरी वीक है वो वोकैबुलरी, जिसका सिर्फ ग्रामर तो सिर्फ ग्रामर, और अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मैं उनकी क्लासेस भी एप्लीकेशन पर रन करती हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन पर फ्री में टेस्ट सीरीज और फ्री में ई बुक अवेलेबल हैं और सबके लिए हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फ्री टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम आई थी बच्चों को, जिन्होंने सेकेंड वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कहा था, जिन्होंने सेकेंड वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कहा था, वो जरा यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर वर्ब बताएंगे मुझे। भाई देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, क्या यहां पर ये वर्ब है? जी नहीं, इसे जरेंड कहते हैं। ये यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब तो इसकी इज है लग रही है, पर ये वर्ब नहीं है भाई। आगे देखो, वॉकिंग फास्ट ही रीच्ड होम, मुझे बताओ क्या ये वॉकिंग यहाँ पर वर्ब है? आपको तो फिर से लग रहा होगा मैम ये वर्ब है, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही, दो वर्ब है, तो दो वर्ब हैं, या तो मैम मैं इसे कंपाउंड बोलूंगा या कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, और कंपाउंड तो नहीं, मैं ना इसको कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लेक्स कहना चाहते हो, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल है। भाई जो बताया सिर्फ उसको देखो, क्या देखना है? सब्जेक्ट और वर्ब, मैंने देखा ही रीच, सब्जेक्ट और वर्ब। भाई वॉकिंग, अगर बाई चांस तुम ये कहना चाहते हो ये वर्ब होती, अगर वी वन प्लस आई एन जी कोई वर्ब होती है तो इसके आगे कुछ इज एम आर वॉज वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ, और अगर ये बिना हेल्पिंग वर्ब के है
तो ये वर्ब है ही नहीं, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसका अलग नाम है यार, एडवांस वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया. इसका नाम जेरेंड है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है. क्योंकि इतना तेज बोला, वॉकिंग फास्ट, तेज दौड़कर वह घर पहुंचा. आगे देखिएगा, आई सॉ टेरिफाइड मैन. इसके अंदर ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल है. अब अगर आप ये सोचें कि एक वर्ब तो सो है और एक है टेरिफाई, होती तो है टेरिफाई, बट दिस इज टेरिफाइड. टेरिफाइड टेरिफाइड ठीक है, बट भाई एक चीज तो देखो, ये मैन की क्वालिटी को शो कर रहा है और ये बना है यहाँ पर एडजेक्टिव. ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और बाई चांस अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैम टेरिफाइड होता है वर्ब तो होता है, भाई अगर होता है तो इसके आगे हैज हैव हैड कुछ तो होता, कोई तो हेल्पिंग वर्ब होती. तो हमने कहा ये हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल. क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट देखिएगा, आई लव टू स्विम. अब आप ये कहना चाहें कि लव एक वर्ब है, स्विम भी एक वर्ब है, तो आप गलत हैं. आई और लव तो फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये टू प्लस वी वन, इसे कहते हैं टू प्लस इन्फिनिटी. क्या कहते हैं? इन्फिनिटी, जो कि आंसर दे रहा है आई लव व्हाट. क्या किससे प्यार करता है? तैरने से. और क्या का आंसर, व्हाट का आंसर वर्ब नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही बना रहा है. तो आपको कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करी. अब शायद मैं उस सेंटेंस को दोबारा खोलूँगी तो आप अब नहीं बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है. सिंपल की पहचान मैंने आपको बता दी. अगर सिंपल की पहचान अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मुझे थम्स अप भेज दें. मैं चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देखें उन्हें आज के बाद ये कंफ्यूजन ना हो कि सिंपल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं. भाई किसी को भी कोई डाउट है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो यूट्यूब की क्लास है, डाउट नहीं पूछ सकते. आप डाउट पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं. क्लियर है? नितिका, दिव्या, संदीप, ओके ओके, साक्षी, प्रियांशी, सुमन, विंटू, आई जॉइन न्यू, वेलकम. जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी, जय श्री राम जी. नो मैम, पक्का कोई डाउट नहीं है? लाइक की संख्या तो नहीं कह रही क्योंकि लाइव के बराबर तो है नहीं. अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता दो. कॉम्प्लेक्स समझा दो मैम. अरे समझाऊंगी, अभी तो सिंपल ही समझाया यार. मैं ये कह रही हूँ कि सिंपल पहचान जाओगे क्या? वर्ब से पूछना तेरा सब्जेक्ट है, ये कहेगी नहीं नहीं मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है. वॉकिंग फास्ट, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो इसलिए वर्ब नहीं है. इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो इसलिए वर्ब नहीं है. वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. आई लव, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन फाइनाइट है और ये फालतू है, इसे कहते हैं एडवांस वर्ब. ठीक है जी, तो आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे. अब मैं बढ़ती हूँ आपके कंपाउंड की तरफ. जब तक हमें पहचान ही नहीं, चेंज क्या करेंगे यार. चलो अब मैं कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में आपको एक पहचान बताती हूँ. भाई आपके सामने फैन बॉयज, ये शायद आपने बचपन में कभी देखा होगा. एफ ए एन बी ओ वाई एस, सिंपल सी पहचान है, आपका काम हो जाएगा, पेपर का काम हो जाएगा. भाई कंपाउंड सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करके बनाया जाता है, उसके कंजंक्शन आपके सामने हैं और याद करने बहुत आसान है. आप एक वर्ड को देखिएगा, फैन बॉयज, एफ फोर फोर, ए फोर एंड, एन फोर नोर, बी फोर बट, ओ फोर और, वाई फोर येट, एस फोर सो. ये जो कंजंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये हमारे कंपाउंड में हमारी सहायता करेंगे. और भैया जो हमारी सहायता करे उसको तो याद करने में भलाई है. देखो वैसे तो ठीक है, हम इनको यूज करके मैं आपको बताऊंगी ही, पर अच्छा रहेगा ना कि इन सातों को याद कर ले. फैन बॉयज, एफ फोर फोर, मेरे साथ रिपीट करिए और लिखिए फोर. एंड रीजन को इंडिकेट करता है फोर, एंड जोड़ता है ना. नोर नेगेटिव सेंस कहता है, बट कॉन्ट्राडिक्शन कहता है, और फिर से चॉइस नेगेटिव पॉजिटिव. येट हमारा अभी तक भी किसी पर्पज को इंडिकेट करता है, नेगेटिव को इंडिकेट करता है. जैसे हमारा बट करता था ना, ऐसे येट भी इंडिकेट करता है. सो और फोर, ये हमारे पर्पज को इंडिकेट करते हैं. सिंपल जोड़ना है एंड, ऑपोजिट जोड़ना है एंड या फिर येट, और पर्पस इंडिकेट करना है तो सो और फोर, चॉइस इंडिकेट करनी है तो और या फिर नोर. बहुत सिंपल है. लिखा सबने?
विल यू लॉन्च एनडीए बैच? बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, क्या करें क्या करें क्या करें, पढ़े 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 पढ़े, इसका सोल्यूशन पढ़ना ही है और कोई शॉर्टकट नहीं। मेरे पास कोई विभूति विभूति जो होती हैं वो भी नहीं है, कोई चूर्ण वूर्ण भी नहीं है जो तुम्हें पानी के लिए सुबह शाम कह दूँ, पानी के साथ सुबह एक चम्मच, दोपहर में फिर एक चम्मच, शाम को एक चम्मच। बेटा जितनी भी तू इंग्लिश देखेगा ऐसे किताब ऐसे सामने आएगी, यूं यूं करेगा और बस ऐसे कर देना पूरी तेरे को याद, ऐसा कोई भी चूर्ण ना तो मार्केट में अवेलेबल है ना ही मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। देखो एक बात बताओ, अगर सोल्यूशन होता तो मैं ना अपना लेती यार, एक ऐसे चूर्ण सा घुमाती और आपको सब याद, मैं पागल हूँ क्या बोले जा रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ भाई, और हर दो दिन में फिर आ जाती हूँ यूट्यूब पे, मंडे को फिर वेनसडे को सैटरडे को फिर बोलना शुरू कर देती हूँ। अगर ये चूर्ण होता तो सबसे पहले मैं तुम पे और अपने आप पे अप्लाई ना कर लेती, ले बस आई और ऐसे चूर्ण सा फेंका और बस सब याद। भाई इसको बनाने में पूरा दिन लग जाता है और कभी कभी किसी टॉपिक और कॉन्टेंट से रिलेटेड दो दो दिन लग जाते हैं, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती कैसा कि बच्चों को ऐसे समझ में आ सकता है, मुझे तो आता है पर ये समझाना कि बच्चों पहले मैं बच्ची बनती हूँ कि हाँ एक बच्चा अगर मैं होती और मैं ब्लैंक होती, मुझे कुछ नहीं आता तो मैं कैसे समझती, फिर मैं एक सेकंड रोल लेती हूँ सुमन सूर्यवंशी का, है ना, कि मैं ऐसे समझाती, फिर मैं बच्चा बनती हूँ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं समझती यार, फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होता इस तरीके से। ट्रस्ट मी यार, कसम से मेरे को कभी कभी एक एक दो दो दिन लग जाते हैं आपका कॉन्टेंट बनाने में, इसलिए कि बच्चा कैसे समझेगा। तो चूर्ण होता तो भाई सबसे पहले तो मैं इस्तेमाल करती, पर है नहीं, मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जो जीवन में आपको आगे लेके जा सकता है, जो चाहते हो वो पा सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ मेहनत, शॉर्टकट से चीज़ें नहीं चल सकती। और शॉर्टकट से अगर मिल भी जाए, सफलता पाना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सफल होकर वहीं पर अटक के रह जाना वो बड़ी बात है। लोग जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं जिन्हें शॉर्टकट कहते हैं ना, तो शॉर्टकट में बिलीव मत करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको फैन बॉयज का फुल फॉर्म लिखने को कहा था, क्या सबने लिख दिया है? उम्मीद करती हूँ लिख दिया है। ये है हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस, अब हम इनके एग्जाम्पल कुछ हमारे सामने है। देखो ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज, देखो ही ने अपनी एक्सरसाइज फिनिश करी और अपनी बुकों को खत्म, उसने अपना काम करा और बुक रख दी भाई उठा के, तो ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज। अब हमने कहा एंड कंजंक्शन से जोड़कर हमने इसके दूसरे काम को भी आइडेंटिफाई कर दिया, क्या कर दिया भाई, ही ने एक्सरसाइज अपने जो होमवर्क था वो फिनिश किया और ही ने ही अपनी बुक्स को पैक भी कर दिया भैया, साइड में रख दिया। ठीक है, अब देखिए एंड कंजंक्शन से जुड़ा ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, उसे बहुत मेहनत करनी होगी और वरना तो क्या होगा, ही विल विन द फर्स्ट प्राइज। अब मेरी एक बात सोचो, अब आप ये सोच रहे होंगे ना मैम हम कैसे समझे कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स। देखो एक काम करो, मैं इसको ढक लेती हूँ और यहां तक पढ़ो, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, क्या इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से फर्क पड़ रहा है, क्या वो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, दे रहा है, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड। अब छोड़ो, अब एक काम करती हूँ इसको ढक लेती हूँ, अब बताओ He will not win the first prize. Simple है, he will not win the first prize. क्या इसके ऊपर इसका कोई dependency है? ये भी एक complete sentence है, ये भी। इसमें देखो, he finished his exercise. Complete sense है, और and लगा है, इसलिए इसका put away का जो subject है, वो भी he होगा। और मैं कहूँ, he put away his books. क्या कुछ लगता है कि दोनों sentences को अगर हथौड़ा मार के तोड़ भी दूँ, तो sense तो निकलेगी? और सेंस निकल रही है, इसलिए कहते हैं कंपाउंड इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वर्ब्स इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तीसरा सेंटेंस दिखेगा, ही इज इल, ले लो कंप्लीट है, वह बीमार है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। अब इसको ढक लू, ही कांट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सकता, क्या इसका इसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी है कि भाई अगर ये नहीं होगा तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, है भाई, he can't come to school, स्कूल नहीं आ सकता, और अगर दिया है तो हमने इसको लॉजिकली पर्पस से इंडिकेट कर दिया कि वो बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आ सकता, जोड़ दिया भाई, इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसका अलग सब्जेक्ट वर्ब, इसका वर्ब, कोई टेंशन नहीं। आगे देखिए, वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए, भैया हमें तो खाना चाहिए, वी मस्ट ईट, सबको हम बोलते हैं वी मस्ट ईट। देखो अब मैंने कहा इसको ढक लू, वी कांट लिव, हम नहीं जी सकते, ये भी एक कंप्लीट सेंस है, ये भी एक कंप्लीट सेंस है, मुझे इन दोनों को मिलाना है कि हमें खाना चाहिए वरना हम जी नहीं सकते, तो
तो मैंने और से इंडिकेट कर दिया, ये सब्जेक्ट वर्ब दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों की कोई डिपेंडेंसी नहीं, जोड़ दिया। देख लो कौन कौन से कंजंक्शन यूज करे, देखो और यूज करा, सो यूज किया, और यूज किया, एंड यूज किया। अब जब मैं आपको सिखाऊंगी ना कि सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना है तो आप चुटकियों में कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड ऐसे बनते हैं, कर दोगे ना? अच्छा बताओ कर दोगे या नहीं? आई एम इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, पांचवी क्लास का बच्चा या बच्चे, बच्चे यहां कैसे? पक्का कर दोगे ना भाई? थम सिर्फ थोड़ी से कम है, थोड़े और बढ़ाओ। ऑफकोर्स ये ऑफकोर्स कहना जितना आसान लगता है उतना फिर मुश्किल भी हो जाता है। एमपी पटवारी में, बिल्कुल भाई एमपी पटवारी में भी ये टॉपिक आ सकता है। अब वो लोग जेल पर प्रहरी, एमपी स्कूल स्कूलिंग वगैरह के जगह सब में दे देते हैं यार, इनको कोई भरोसा नहीं। ये नहीं देंगे तो एक्टिव पैसिव दे देंगे, ये नहीं देंगे तो नेगेटिव अफर्मेटिव दे देंगे, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। चलो अब मैं तीसरे की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि नाम में भी कॉम्प्लेक्स है और काम में भी कॉम्प्लेक्स है। भाई पता है मैं बताती हूँ तुम्हें एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ना तीन चीज़ें हैं, बट आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को थोड़ा ये ऊपर से चला जाए। उसका कारण है, उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण ये है कि जो मैं बताऊंगी आपको उसका बेसिक्स नहीं आता, आप शायद मुझे रेगुलर फॉलो नहीं करते। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते, यूट्यूब पे करते या फिर मेरी एप्लीकेशन में करते, फिर गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है ना। और अगर आप सोचेंगे कि मैं 250-300 वीडियो ले चुकी हूँ या 250-300 वीडियो को अभी 5 मिनट में बता दूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको किसी भी टीचर को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वो अब इसको किससे रिलेट कर रहा है। चलो फिर भी एक कोशिश करती हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तीन तरीके के क्लोज क्रिएट करते हैं, पहला नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस गौर से देखो, ध्यान से क्या क्या क्लोज बनाते हैं, टेंशन मतलब नाउन क्लोज क्या होता है ये भी बताने की कोशिश करूंगी, वैसे मैं अदर वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा से फिर बताऊंगी। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज बनाता है कौन? कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये नहीं पता मैम नाउन क्लोज क्या होता है, नहीं पता, मैं बताती हूँ। नाउन क्लोज होता है आपके सेंटेंस के अंदर व्हाट का आंसर, किसका आंसर? व्हाट का आंसर, व्हाट मतलब क्या, क्या का आंसर जो भी दे दे तो उसे कहते हैं नाउन क्लोज। अब आप कहेंगे कि अगर मैम सेंटेंस के अंदर व्हाट आ गया तो हम पहचान जाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, व्हाट आ गया, पर अगर व्हाट का रिप्लाई आ गया तो कैसे पहचानेंगे? पहचान लेना यार, अगर व्हाट का रिप्लाई दिया होगा तो उस सेंटेंस के अंदर डैट का प्रयोग किया गया होगा। अगर व्हाट का रिप्लाई देगा, मैंने कहा उसने क्या कहा, ही सैड डैट ही वुड नॉट कम टू स्कूल, तो डैट, मेरे व्हाट का रिप्लाई किसने दिया? डैट ने। तो आपको पहचान बता रही हूं, इसे ट्रिक समझ लो, कुछ भी जैसा भी चाहे आप। व्हाट का रिप्लाई नाउन क्लोज कहता है, रिप्लाई देकर या तो व्हाट ही दिखेगा सेंटेंस में, और रिप्लाई देकर दिखेगा तो डैट दिखेगा, जिसमें दिख जाए वो क्या है, क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा एडजेक्टिव क्लोज क्या होते हैं, भाई एडजेक्टिव क्लोज दो तरीके के आंसर आपको देगा, क्या क्या? पहला हु और दूसरा विच। अब सेंटेंस के अंदर अगर हु का रिप्लाई मिल जाए वो एडजेक्टिव है, भाई कौन सा लड़का? बोला वो वाला लड़का जिसने हरी शर्ट पहनी है, जिसने हरी शर्ट पहनी है वो लड़का, उस लड़के ने मुझे डांटा। बोला कौन से लड़के ने तुझे डांटा? बोला वो लड़का जिसने हरी शर्ट पहनी है। तो ये रिप्लाई किसका है? उस लड़के का, कि उस लड़के ने क्या किया है, हरी शर्ट पहनी है। क्या ये हरी शर्ट पहनना उसकी विशेषता है? जी हाँ, ये उसकी विशेषता है। तो हु का रिप्लाई या विच का रिप्लाई, मुझे वो लाल रंग वाली ड्रेस ज्यादा पसंद है। मैंने कहा कौन सी ड्रेस ज्यादा पसंद है, उसने कहा लाल रंग वाली ड्रेस ज्यादा पसंद है। तो आपको नहीं लगता लाल रंग वाली ड्रेस उस ड्रेस की विशेषता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लोज। तो देखिए रिप्लाई कैसे होंगे, हु हो सकता है, विच हो सकता है, और विच का रिप्लाई कभी डैट भी हो सकता है।
तो जैसे सेंटेंसेस के अंदर हु और विच दिख जाए तो समझ जाइएगा कि जरूर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रिप्लाई है, क्योंकि मैम ने बताया था कि नाउन क्लोज हो, एडजेक्टिव क्लोज हो, रिप्लाई किसका देते हैं? कॉम्प्लेक्स का। इतनी सी बात को यहां पर विराम देती हूँ, दिमाग में सेट रखिएगा। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है? आपके सामने एक एग्जाम्पल है, पता ना, ही सेड डैट ही वॉज गिल्टी। अच्छा, अभी तक आपको क्या लगता था ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल। पर मैं कह रही हूँ ये कॉम्प्लेक्स है। मैं क्या कह रही हूँ, ये है ही कॉम्प्लेक्स, पर हमें ऐसा लगता है अरे इतना तो प्यारा सा, इतना सीधा सा तो लग रहा है, इतना सीधा सा, बताओ कॉम्प्लेक्स नाम दे रहे हैं। जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहचानने का तरीका देख लीजिए, क्या नाउन क्लोज बना रहा है? ही सेड, उसने कहा, उसने कहा कि, देखो ही सेड डैट, ही सेड डैट, मैंने कहा, उसने कहा कि, उसने कहा कि, मैं बोल रही हूं, मैंने कहा कि। तो आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा, बोले क्या? थोड़ी देर ज्यादा नहीं बोलेंगे तो फिर, अरे बता भी दो क्या। ही सेड व्हाट, क्या कहा, अधूरा है ये जो सेंटेंस है ना। ही सेड, उसने कहा, मन में एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि भाई क्या कहा, ये कहा ही वॉज गिल्टी, कि वो गिल्टी था, उससे गड़बड़ हुई है, उसने क्राइम किया है, उससे गलती हुई है। तो जब तक ये ना बोलूं इसकी वैल्यू है ही नहीं। और यही तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था कि जब दो वर्ब हो, वर्ब तो दो हैं, देखो एक तो सैड है और एक गिल्टी वाली वॉज है, सॉरी, एक वॉज है और एक सैड है। आप मुझे बताइए, ये तो आपको ऐसी लग रही है ना कि ही वॉज गिल्टी, ये तो इस पर डिपेंड नहीं कर रही ना। हाँ, ये इस पर जरूर डिपेंड कर रहा है कि भाई क्या क्या कहा उसने। तो जब ये सवाल क्रिएट होता है तो कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, मैंने एक ट्रिक से आपको समझा दिया कि डैट जिस सेंटेंस में आपको दिख रहा है वो रिप्लाई है व्हाट का, और इसे समझ जाना कि ये कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके अलावा मैं अगला सेंटेंस देती हूँ, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, क्षण जो गया वो गया, वापस नहीं आना है ना। द मोमेंट इज लॉस्ट, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर मैं ये सवाल पूछूं, भाई कौन सा मोमेंट लॉस्ट फॉर एवर है? इसको देखो, लॉस्ट फॉर एवर, बस इस वर्ब को देखो। मैंने कहा कौन सा मोमेंट हमेशा के लिए चला गया, बोला जो चला गया वो बस चला गया। तो विच, कौन सा, ये विच का रिप्लाई आपका एडजेक्टिव क्लोज देता है। आपको सेंटेंस में दिखा विच, तो पहचान जाइए कि कौन सा क्लोज है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और मुझे साथ में ये भी बता दीजिए कि ये कौन सा क्लोज बना रहा है, एडजेक्टिव क्लोज या नाउन क्लोज, भाई कौन सा क्लोज बना रहा है। अब आज के बाद क्लोज भी पहचान जाना कि कौन सा क्लोज है। हमने कहा कौन सा मोमेंट, और ये कौन सी ड्रेस, कौन सा लड़का, कौन सी मैडम, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है जी, क्या का रिप्लाई नहीं है, विच और हु का रिप्लाई है। क्लियर? आगे बढ़ू क्या, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ सकती हूं? चंचल जी, भावना रानी, आमिर, कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ सकती हूं? और आगे बढ़कर आया एडवर्ब क्लोज। अच्छा, एडवर्ब क्लोज के बारे में बताती हूँ। ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में जितना भी कचरा, कहते हैं डस्टबिन ऑफ इंग्लिश इज एडवर्ब, मतलब कि जो भी बचा खुचा था ना, सब एडवर्ब में डाल दिया गया। ये सच है। आपने कभी, जब मेरी एडवर्ब, अगर नहीं आता एडवर्ब, भाई प्लीज मैं फिर से कहूंगी, अगर फॉलो करते हैं तो कंप्लीट फॉलो करें, डालिएगा एडवर्ब बाय सुमन सूर्यवंशी, आपको बेसिक्स पता लग जाएगा। उसके बाद भी एडवर्ब में डाउट रह जाए ना, तो यार मार्कर नीचे रख दूं मैं। पर हाँ, ध्यान से पढ़ना है ना, ऐसे भी नहीं कि हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। एडवर्ब वहां से पढ़ लेना, एडवर्ब में कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी मैं तो पढ़ाऊंगी अभी। एडवर्ब क्लोज क्या है? जो भी बचा इंग्लिश में, सब इस कचरे के डिब्बे में डाल दिया। जैसे कि हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, जैसे कि मैं कहूँ इसको एज इफ, एज, या फिर इफ, यदि, यदि मतलब हाउ। अगर मैं कहूँ एडवर्ब होता है एक रीजन वाई, तो आपको मिलेगा क्लोज कंजंक्शन, मिलेगा बिकॉज। अगर मैं पूछूंगी मैनर, तो आपको मिलेगा या तो इफ या फिर एज। कॉम्प्लेक्स की पहचान बता रही हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ही भाई। आगे देखिएगा, मैंने कहा अगर एडवर्ब ऑफ टाइम होता तो किसका रिप्लाई मिलेगा, वेन का। क्या क्या कंजंक्शन मिल सकते हैं? या तो वेन ही मिल सकता है, कब,
या फिर एज सून एज मिल सकता है, जैसे ही मैंने उसे देखा वैसे ही वो चला गया, या फिर बिफोर, तेरे से पहले वो चला गया, तेरे बाद वो चला गया। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में किसका रिप्लाई? वेयर का रिप्लाई। कुछ बातें कह रही हूँ, सुनो। क्या का रिप्लाई कहाँ था? नाउन में। बेटा ध्यान से सुनिए, क्या का रिप्लाई नाउन में है ना। कौन और किससे, इसका रिप्लाई एडवर्ब एडजेक्टिव में मिल गया। अब ये बचा खुसा, कब, कहाँ, कौन सा, क्यों, ये टाइम, ये सब एडवर्ब में आ गया। मैंने पूछा कि कंडीशन बता, जब मैं किसी चीज के आगे दूसरे की कंडीशन लगा दूं तो दो या ऑल्दो का प्रयोग करती हूँ, ये भी एडवर्ब में। टाइम बता, एज सून एज, बिफोर आफ्टर यूज कर रही हूँ, ये भी एडवर्ब में। जगह बता, वेयर एवर, वेयर, इस तरीके के कंजंक्शन भी एडवर्ब क्लोज में। मैंने कहा तू मैनर बता भाई कैसे, बोला एज इफ, मानो ऐसे बिहेव करो था जैसे जैसे राजा हो यहाँ का, वो वाला। यदि तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊंगा, बोला क्यों नहीं आए, यदि तुम नहीं आओगे, तो ये भी हमारा एडवर्ब फ्रेज। मैंने कहा रीजन पूछना हो तो बिकॉज आपको मिल सकता है। ये हिंट है, कॉम्प्लेक्स को पहचानने की हिंट आपकी यहाँ पर मेंशन है। भाई इससे सरल तरीका मैं नहीं बना पाई हूँ, ठीक है। यही एक सिंपल सा फंडा और सिंपल सा हिंट है ये पहचानने का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। बाकी लॉजिक भी बता चुकी हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक जो वर्ब है उसका कम अस्तित्व होता है दूसरे से। अभी हम एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। चलो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला, he confessed, उसने मान लिया that he was guilty। क्या मान लिया, क्या का reply, what का reply, what मतलब that, that मतलब noun clause मतलब complex sentence। Next, he bought the library। अब हो सकता है कि आप ये सोचें कि ये तो रहा मैम, ये देखो ये एक sentence है और ये भी एक sentence है, तो ये तो कंपाउंड बन गया। भाई अभी तो बता के आई हूँ कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, अब कॉम्प्लेक्स समझा रही हूँ। मैंने पूछा ही बोर्ड द लाइब्रेरी, अब मैं ये पूछ रही हूँ विच, कौन सी लाइब्रेरी, कौन सी। ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस कर लिया, मान लिया, बोले क्या मान लिया, क्या मान लिया। आगे देखो, He died in the village where he was born। मैंने कहा he died in the village, वो गांव में मर गया, कौन से गांव में, कहां, कहां मरा भाई, कहां का reply। आगे देख लिए, if you are not an Indian you can't be admitted, अगर तुम इंडियन नहीं हो, कंडीशन अप्लाई मतलब if मतलब कंडीशन, ये कौन सा एडवर्ब फ्रेज, अगर तुम इंडियन नहीं हो तो तुम एंट्री नहीं मिलेगी, यू कांट बी एडमिटेड, है ना। तो आपने देखा डैट, भाई इससे सरल तरीका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने का नहीं होता। मैंने कहा क्या का रिप्लाई, कौन से का रिप्लाई, कहाँ का रिप्लाई, इफ का रिप्लाई, ऑल्दो का, दो, ये सारे के सारे हमारे क्या दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दिखाते हैं जिसमें एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप ही बताइए, That he was guilty. क्या भाई कुछ अधूरा है ना। मैंने कहा which belong to his uncle, भैया जो अंकल से belong करती है, ये अधूरा sentence है। Where he was born, जहाँ वो जन्मा, क्या आगे तो बोल कुछ, अंकल से belong करती है, आगे तो बोल he was guilty, कि वो guilty है, क्या। तो ये अधूरे अधूरे सेंटेंस हैं, और अगर अधूरे हैं तो एक वर्ब इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट होती है, इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब शायद आप पहचान पाएंगे कौन सा सेंटेंस क्या है, पहचान पाओगे। अच्छा अब दोबारा से बताओ वही एक्सरसाइज जो हम अभी सोचा था 10 मिनट, पर ज़्यादा टाइम लग गया, सो सॉरी, पर कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगी मैं। हाँ जी मुझे बताओ इसमें से पहला सेंटेंस अब क्या है, आप बताओ। दोबारा उसी पे आती हूँ, जो कि तुमने गलत बताया था। आप दोबारा बताओ, जो पूरी क्लास को देख रहे हैं, मतलब कि शुरू से देख रहे हैं, 9 बजे से जिन्होंने शुरू करी थी, पहला कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड, दूसरा सिंपल है, फैंटास्टिक, अमेजिंग यार,
वेरी गुड संजय, मनीष, विक्रम, पायल, जो लोग पूरी क्लास देख रहे हैं उनको तो पता होगा कॉम्प्लेक्स है अफरीन। वाओ सो नाइस, सो नाइस अनन्या, सुमन मैम के लाडले। सेकंड सिंपल है, ऐसे लिखो, टू सिंपल, थ्री सिंपल, राइट, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड प्रतिभा पटेल, साक्षी, सुनील, प्रांजिल, एंजल, मीनू, आमिर, प्रिया, मिराकल। वेरी गुड विनीता, बहुत बढ़िया। सेकंड सिंपल, थर्ड सिंपल, फोर्थ सिंपल, ओके। और फिफ्थ और कंजंक्शन है, और दोनों सेपरेट सेपरेट इंडिपेंडेंट वर्ब है, तो क्या हुआ? कंपाउंड। एंड द लास्ट वन इज एज सून एज ही हर्ड द न्यूज, जैसे ही उसने न्यूज सुनी, उसने मुझे लिखा, बोला जैसे ही न्यूज लिखी, अधूरा है यार, जैसे ही न्यूज सुनी, बोला आगे तो बोल, मैं बोले जा रही हूँ, जैसे ही मैंने न्यूज सुनी, तो आप ऐसे मुंह उठा के देख रहे हो मेरी तरफ कि कुछ तो बोलेंगे मैडम। मैंने कहा जैसे ही मैंने न्यूज सुनी, ये क्या, जैसे ही मैंने न्यूज सुनी, मैंने उसे लिख दिया, मैंने उसे बता दिया, जब तक मैं इसे ना बोलूं ये बड़ा ही खराब लगेगा, तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता, हीरो टू में फर्क नहीं पड़ता, इसको जरूर फर्क पड़ता है, एज सून एज ही हर्ड द न्यूज। आपको पता होगा जिनके साथ भी ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल वर्ड लग जाते हैं, उन्हें हम डिपेंडेंट फ्रेज कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर? अब तो सबने बता दिया, लास्ट वन वाला कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर हम सीख गए सिंपल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। भाई जब तक पहचानेंगे नहीं तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। अब मैं कुछ और भी आपको सिखाऊंगी जो कि बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग टाइप के भी पेपर में आते हैं, कई बार आते हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, किसी को इंटरोगेटिव में। बेसिकली ये दोनों आते हैं, असर्टिव एंड इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी नहीं आता। शॉर्ट में बता देती हूँ, ये है हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो चार तरीके के सेंटेंस होते हैं, कई बुक्स में आपको पांच मिल सकते हैं कि ऑप्टेटिव को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। ऐसे तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में भी एक चौथा टाइप है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला, पर ठीक है हमारे वो काम का नहीं। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो अपनी बात को पूरे असर से कहें, मतलब कि कोई डाउट नहीं, अपनी बात को डिक्लेयर करना, ऐसे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इनके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव होते हैं जो पॉजिटिव आप जिसे कहते हैं भाई। अच्छा कुछ लोगों को तो यही बड़ा शौक लग जाता होगा कि असर्टिव के ही दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। आप तो सोचते थे नेगेटिव अलग टाइप होगा, जी नहीं, असर्टिव के अंदर ही दो टाइप आते हैं। जैसे मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, दिस इज अफर्मेटिव। मैंने कहा मैन इज नॉट मॉर्टल, दिस इज नेगेटिव। मैंने कहा नेक्स्ट देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप किसी चीज पर डाउट करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, सकता है अगला बंदा कहे यस या फिर नो। अच्छा मैं कहूँ हु आर यू, तो ये भी इंटरोगेटिव है, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बाद में इंटरोगेटिव मार्क होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं कमांड। कमांड कैसी भी हो सकती है, किसी को ऑर्डर की हो सकती है, किसी से रिक्वेस्ट की हो सकती है, एडवाइस की हो सकती है। जैसे मैंने कहा शट द डोर, मे बी इन ऑर्डर, मैंने ऑर्डर दे रही हूँ दरवाजा बंद करो, शट द डोर। अब मैंने कहा शट द डोर प्लीज, इसका मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। डिपेंड करेगा कि मेरी टोन क्या थी, वक्ता का मूड क्या था, उसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी होती है सडन फीलिंग, और इनकी पहचान भी बहुत आसान है, एक्सक्लेमेशन वाला साइन देख लेना। जैसे मैंने कहा किसी चीज को देखकर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो सडन फीलिंग आपके अंदर आती है इन्हें कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और अब हम बताते हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और कैसे आप डील कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अफर्मेटिव टू नेगेटिव, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाएं। देखो नेगेटिव यूज के लिए सिंपल सी चीजें हैं यार, है ना, आप नो को यूज करिए, नॉट को यूज करिए। अब नेगेटिव बनाना है तो नो को तो यूज करना पड़ेगा। अब नो के भी अलग अलग पैटर्न है, हो सकता है नो, नोट, नीदर, नोर, या नेवर, या नथिंग, या नन, ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया शी इज अनकंफर्टेबल, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले बताओ कैसा सेंटेंस है,
अफर्मेटिव। मैं आपसे पूछती हूं, इसे नेगेटिव में चेंज करके बताना। लिखो सब लोग। ओ थैंक यू बाबा, आपकी वजह से मैंने एग्जाम क्रैक किया है। थैंक यू सो मच, आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। बट ये मेरा क्रेडिट नहीं है यार, मैं अगर फिर ऐसे क्रेडिट लूँगी कि मैंने आपको पढ़ाया इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे बच्चे मेरे एप्लीकेशन में रोज़ मुझे ऐसा क्रेडिट देते हैं, बट मैं उनको भी सेम बात कहती हूँ, आपको भी सेम कहूँगी, आपकी मेहनत थी, टोटली आपकी मेहनत थी। क्योंकि अगर मैंने आपकी सिलेक्शन का क्रेडिट ले लिया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं यार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो उनकी अपनी वजह से नहीं हुआ। मेरे पढ़ाने में कोई कसर नहीं है, मैं पूरे होशोहवास में और पूरे हिम्मत से, पूरी मतलब पूरी कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकती हूँ कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ, जब भी पढ़ाती हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे कोई डाउट नहीं कि मैंने अपनी मेहनत में कमी छोड़ी होगी, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कोई कमी छोड़ी होगी, मैंने बोलने में आलस कर लिया होगा, मैंने बार बार बताने में आलस कर लिया होगा। नो, मैं ये नहीं करती। और इस बात में अगर कोई किसी को घमंड लगे तो घमंड हो सकता है, बट मुझे इस बात में अपने आप पे गर्व है। और तो इसलिए जिन दो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए तो उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है भाई। इसलिए अगर आप सेलेक्ट हुए तो बेटा बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप जीवन में बहुत आगे बढ़े। आपने मुझे क्रेडिट दिया उसके लिए थैंक यू, बट ये आपकी अपनी मेहनत थी। ठीक है, चलो। हाँ जी, बनाया किसी ने, शी इज कम्फर्टेबल, शी इज अनकम्फर्टेबल, बेसिकली शी इज अनकम्फर्टेबल, शी इज नॉट कम्फर्टेबल। ओके, शी इज नॉट अनकम्फर्टेबल। भाई क्या कहा मैंने, सेंस नहीं बदलना चाहिए, सेंस मत बदलो, क्या करो, शी इज अनकम्फर्टेबल। अब मुझे इसमें नोट या नो ये सब यूज करना है, कुछ ना कुछ यूज करना है, क्या करूं। ये यू एन हमारा एक ऐसा प्रॉफिक्स है, जब इसको कट कर देंगे तो नोट ही तो बन जाता है। मैं कहूं शी इज नॉट कम्फर्टेबल, अच्छा सुनो, मैं शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, और मैंने कहा शी इज नॉट अ बैड गर्ल, कि वो बुरी लड़की नहीं है। बात तो सेम है, सेंस तो सेम है, और यही हमें करना है। सेंस सेम होनी चाहिए, बदलना, जोड़ना, घटाना, जो करना है कर दीजिए। नेगेटिव बनाना है तो ये तो प्रयोग करना पड़ेगा, पर करके देखिए कि इसको मैं क्या कर दूं। इसका सिंपल सा तरीका है, आपका वोकैबुलरी थोड़ा ठीक होना चाहिए। वोकैबुलरी की मेरी सारी प्लेलिस्ट या फिर मेरा पूरा कोर्स कर दो। ही रिफ्यूज्ड द ऑर्डर, अब दूसरा तरीका बताती हूँ, देखो, ही रिफ्यूज्ड द ऑर्डर, उसने ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बना सकते हैं भाई, नोट का प्रयोग तो कर लीजिएगा, रिफ्यूज का कर दीजिएगा उल्टा, मतलब कि आपको विपरीतार्थक शब्द भी आने चाहिए। मैंने कहा उसने ऑर्डर को मना कर दिया, हिंदी में बताना, उसने ऑर्डर को मना कर दिया। अगर मैं इसको कहूं कि उसने ऑर्डर को लिया नहीं, बात तो एक ही है, इसमें तो नहीं भी आ गया। मना करता को नहीं से भी तो चेंज किया जा सकता है। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, उसने रिफ्यूज का उल्टा एक्सेप्ट और नॉट को ऐड कर दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं मैम डिड क्यों लगाया, तो भाई फिर टेंस पढ़ना पड़ेगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मीन्स पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। तो मैंने कहा ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, तो बात तो सेम ही है, बात क्लियर हो रही है, बात तो सेम है। सुमन मैम नमस्कार, नमस्कार जी राजेश जी। चलो एक और सेंटेंस आपसे पूछती हूँ, आई एम डाउटफुल ऑफ द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, कि मैं मतलब रिजल्ट, जैसे किसी ने टेंथ का एग्जाम दे रखा है ना, टेंथ का एग्जाम दे रखा है और रिजल्ट आने वाला है कल, वो कह रहा है यार डाउट्स हो रहा है रिजल्ट का, मतलब मैं डाउटफुल हूँ, आई एम डाउटफुल ऑफ द आउटकम, आउटकम का मतलब रिजल्ट। भैया एक बंदा डाउट में है ना, इसको नेगेटिव कैसे बनाऊँ, मैं बना सकती हूँ आई एम, नोट को तो लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव बनाना, आई एम नोट डाउटफुल तो नहीं कर सकते। डाउटफुल का भी कुछ उल्टा कोई वर्ड आता होगा आपको, डाउट का मतलब श्योर। आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको बस ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव को बनाते कैसे हैं, बस
फिर ऑप्शन में से आप क्लिक कर दोगे भाई, चेक भी कर लेना अपना अपना जो भी आपके पास प्रैक्टिस अवेलेबल हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके क्वेश्चंस को उठा लीजिए, जैसे ही आपको ऑप्शंस दिखेंगे आप उसको पक्का कर देंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि बनाते कैसे हैं। नोट का इंसर्शन तो मस्ट है, डाउट का उल्टा श्योर। आई एम नॉट श्योर ऑफ द आउटकम, बात तो एक ही है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ या फिर मैं डाउट में हूँ, बात तो एक ही है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, ओनली जिस सेंटेंस के अंदर लगा हो, जैसे मैंने कहा आई विल मैरी ओनली यू, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगी, तो इस ओनली को नेगेटिव में चेंज करने के लिए कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में शायद मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा हिंदी में सोचो, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी, इसको मेरे अंदर नोट कैसे आ जाए, कोई तरीका है? मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी, मतलब कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, ऐसा हो सकता है? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी तुम्हें छोड़कर, ऐसा ही तो हुआ, तो इसमें नहीं आ गया। मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी तुम्हारे अलावा। अब इसे बनाने का तरीका हो सकता है आपको, मैं एक सिंपल सा तरीका बता दूं, नो वन बट का आप यूज कर सकते हैं अगर इंसान है तो। अगर कोई चीज होती तो नथिंग का यूज कर लेते, तो नथिंग बोलते, इंसान है तो नो वन। आई विल मैरी नो वन बट यू, इसका मतलब तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आई विल मैरी नो वन बट यू। मेरी तो हो गई फैन क्लब है, अच्छा है, अब कोई रास्ता बचा भी नहीं बैक होने का, हो गई तो हो गई। हमारे कान पकड़ के ना घुमा दिए जाए, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे भी जवाब पढ़ाते पूरा क्लियर हो जाता। थैंक यू यार, बहुत सारे एग्जाम्स में टॉपिक पूछा जाता। हाँ सच्ची में विशाल, सच्ची में, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू यार, थैंक यू। गुड़ खाती हूँ मैं, चीनी भी खाती हूँ, सुबह ही लग जाती हूँ ऐसे हाथ में उठाया उसे चीनी गुड़, इसीलिए स्वीट। चलो अगला समझाते हैं, असर्टिव टू इंटरोगेटिव। ये थोड़ा सा टफ बच्चों को लग सकता है पर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। इसका अगर तरीके की बात करूँ तो एकदम सिंपल है। असर्टिव टू इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को तो आगे लाना होता है और नोट को इंसर्ट करना होता है, अगर नोट नहीं है तो, अगर है तो ठीक है फिर अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर आपको सिंपल से असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैं अभी असर्टिव सिखा रही हूँ है ना, अगर नेगेटिव है तो उसमें भी हम देखेंगे। तो मैंने कहा असर्टिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे। मैंने कहा अगर जब भी आप सिंपल से, अभी यहाँ पर इंटरोगेटिव है ना, असर्टिव समझिए सिंपल, जब मैं बोलूँ इसका मतलब ये है कि आपको जब भी बदलना हो सबसे पहले तो बाद में तो लगाइए ये एक बात, दूसरा हेल्पिंग वर्ब को आगे, अभी सिंपल की बात कर रही हूँ, तीसरा नोट का इंसर्शन अगर इसमें नहीं है तो, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो। अच्छा कैसे मैम, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता क्यों है, ऐसा तो सारी किताबों में लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब आगे और नोट लगा दो सिंपल से इंटरोगेटिव हो जाएगा, और उल्टा करना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले और नोट को हटा दो तो सिंपल हो जाएगा, ऐसा होता क्यों है? मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आप और आपका दोस्त ट्वेल्थ पास किए, ठीक है, ट्वेल्थ की फेयरवेल पार्टी चल रही है, मतलब फाइनल, बस उसके बाद आप अपना एमबीबीएस करने जा रहे हैं, वो बीटेक करने जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, एक दोस्त उससे कहता है कि मुझे तेरी बहुत याद आएगी, मतलब मैं तुझे बहुत याद करूँगा, और बहुत मतलब सेंटिसा हो रहा है ऐसा कहते कहते कि मुझे तेरी बहुत याद आएगी यार तू जा रहा है। दूसरा कहता है अच्छा तो मतलब मुझे तेरी याद नहीं आएगी, मुझे तेरी याद नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है वो दोस्त, एक बार सेंस समझ। देखो भाषा का क्या है, भाषा कंप्लीटली सेंस है, फीलिंग है। भैया एक दोस्त ने कहा कि मुझे तेरी बहुत याद आएगी, दूसरे दोस्त ने कहा कि मुझे तो तेरी याद आएगी ही नहीं, इसका मतलब क्या है, वो दोस्त क्या कहना चाहता था, बोलो, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं करूंगा। उसको भी आएगी, शिवम गोयल जी कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया
मतलब कि मैम उसको भी आएगी, आई मिस यू टू, ऐसा कहना चाहता है. ओके गुड़िया मैं पढ़ाऊंगी अभी. उसको भी आएगी, है एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहती हूँ. अब मैं आपसे कहूंगी सेम बात, मुझे तेरी याद आएगी. दूसरा कहता है मुझे क्या तेरी याद आएगी नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि हाँ इसका सेंस यही है, आई मिस यू टू, मैं भी तुझे याद करूंगा. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि क्वेश्चन भी बना दूँ, हेल्पिंग वर्ब भी आगे ले आऊँ और नोट भी लगा दूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आई डिड हेल्प यू, आई डिड हेल्प यू. अब मुझे इसका बनाना है इंटेरोगेटिव, तो मैं कैसे बना सकती हूँ? अभी मैंने सिखाया क्या करो, इस डिड को लेके जाओ आगे, आई को यहां पर नोट का इंसर्शन, डिड आई नॉट हेल्प यू, डिड आई नॉट हेल्प यू. इसका मतलब ये है, जैसे एक दोस्त कह रहा है कि भाई एग्जाम में पक्के पक्के दोस्त हैं, और वो कह रहा है कि भाई तू मुझे दिखा देना, मैं पढ़ के नहीं आया हूं, तू मेरा चीटिंग करा देना, थोड़ी से साइड में कॉपी कर लेना, ऐसे ऐसे कह रहा है एक दोस्त. और दूसरा कह रहा है, या तो उसका तरीका हाँ आई डिड हेल्प यू, फिर दूसरा दूसरा उसको बड़ा परेशान कर रहा है, कह रहा भाई दिखा देगा ना, मतलब तू ऐसे तो नहीं बोला कि मैं, मुझे जो आएगा वो तुझे दिखा दूंगा. तो दूसरा दोस्त परेशान होकर कह रहा है कि मैं तुझे दिखाऊंगा नहीं, क्या मैं तुझे दिखाऊंगा नहीं. तो वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों दिखा दूंगा भाई, परेशान मत हो, क्या मैं तुझे दिखाऊंगा नहीं, क्या मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा. ये क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो ये कहना चाहता है, या आई डिड हेल्प यू, तू तो मुझे याद ही नहीं करेगा, क्या मैं तुझे याद नहीं करूंगा, तुझे ऐसा लगता है जब तू जा रहा है, क्या मैं तुझे, मुझे तेरी याद नहीं आएगी, क्या तू मुझे भूल जाएगा. ऐसे वाला सेंटेंस. क्लियर हुई बात? फीलिंग को समझेंगे तो शायद सेंटेंस क्लियर होगा. बना दिया, डिड आई नॉट हेल्प यू, सेंटेंस को बनाया, डिड आई नॉट हेल्प यू. कैसे बनाएंगे? जब भी असर्टिव सेंटेंस मिलेगा, इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा, तो कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, सब्जेक्ट को ऐसे, नॉट को इंसर्ट, डिड आई नॉट हेल्प यू. क्लियर हुआ भाई ऐसे सेंटेंस क्यों बनता है? अभी मैंने वो आई मिस यू टू के एग्जाम्पल से समझाया था, जब तक सेंस नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा, वरना तो ऐसे ही लगता रहेगा ऐसा कैसे हो सकता है ना. क्लियर? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिड आई हेल्प यू, डिडंट आई हेल्प यू, क्या मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा. चलो अब आते हैं हमारे डब्ल्यू एच वाले. अब थोड़ा उल्टा देखते हैं कि इंटरोगेटिव से असर्टिव चेंज करना हो तो हम क्या करें भाई, कुछ नहीं. जैसे मैंने कहा हु विल नॉट हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस, गौर से सोच के देखिए, जब तक आप फील नहीं करेंगे लैंग्वेज को मजा नहीं आएगा, आपको मजा लेना पड़ेगा, है ना भाई. हु विल नॉट हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस, मतलब इतने गरीब आदमी, इतने परेशान आदमी की कौन मदद नहीं करेगा यार, ऐसा हम कह रहे हैं. हम कह रहे हैं इतने परेशान आदमी की कौन मदद नहीं करेगा, कौन मदद नहीं करेगा, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हर कोई मदद करेगा. भाई तुझे क्या लगता है कि ये इतना परेशान है, इतना गरीब है, और इतना मतलब इतना डिस्ट्रेस सिचुएशन है उसकी, इतनी सैड सिचुएशन है, एकदम पिटिएबल, दयनीय स्थिति है, भाई इतने मतलब इतने गरीब आदमी की, इतने डिस्ट्रेस आदमी की कौन हेल्प नहीं करेगा. इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि सब हेल्प करेंगे, राइट? यही तो आप नरेंद्र समझे नहीं, इसका मतलब आपने पूरी क्लास देखी नहीं, है ना. नरेंद्र सिंह कहते हैं मैम बदल गया, मीनिंग बदल गया. मैंने अभी तो समझाया कि आपके दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तुझे बहुत याद करूंगा, बहुत याद करूंगा, वो कह रहा अच्छा मैं क्या तुझे याद नहीं करूंगा, इसका मतलब वो ये कहना चाहता था भाई याद करूंगा. नरेंद्र जी पूरी क्लास देखिए, ठीक है. अगला देखिए, हु विल नॉट हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस, भाई इतने गरीब आदमी की कौन मदद नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये कि हर कोई मदद करेगा. यस एग्जैक्टली प्रिया सिंह जी, एवरीबडी विल हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस. ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस. क्लियर? भाई इतने गरीब आदमी की कौन हेल्प नहीं करेगा, आप कहना चाहते हैं भाई हर कोई हेल्प करेगा गरीब आदमी की, ठीक है जी. और सेंटेंस देख लेते हैं. Shall I ever forget those happy days? आप बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ और कह रहे हैं तुझे याद है यार हम मनाली गए थे, कितना मजा आया था, और दोस्त कहता है अच्छा तुझे लगता है मैं भूल पाऊंगा, तुझे लगता है मतलब तुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं उन दिनों को, उन हैप्पी दिनों को भूल सकता हूँ, तुझे लगता है मैं भूल जाऊंगा, इसका मतलब ये है क्या मैं उन दिनों को भूल जाऊंगा, इसका मतलब ये कि मैं उन्हें
भूलूंगा नहीं, दैट मीन्स आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज. सिंपल बात है. और सेंटेंस देख लीजिए, हु डजंट नो दैट द अर्थ इज राउंड. अब कोई कह रहा है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ऐसी कोई दूसरा भाई उसका कोई दोस्त आके कह देता है, भाई किसको नहीं पता पृथ्वी गोल है? है जो तू बोले जा रहा है, किसको नहीं पता पृथ्वी गोल है? हु डजंट नो दैट द अर्थ इज राउंड, कौन नहीं जानता कि पृथ्वी गोल है? तो आप ये कहना चाहते हैं हर कोई जानता है कि पृथ्वी गोल है, एवरीबडी नोज डेट द अर्थ इज राउंड. ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप असर्टिव को इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव टू असर्टिव चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज करते हैं? सेंस. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए. जैसे मैंने सोचवाया है ऐसे सोचना पड़ेगा, भाई कौन नहीं जानता कि पृथ्वी गोल है, इसका मतलब सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है. ठीक है, Everybody knows. Very good. और बताएं? ये तो हमारे रिपीट हो गए हैं. चलो अब मैं आपको सिखाती हूँ तीनों सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन. तीनों सेंटेंसेस देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है हियरिंग द बेल. अब मैं एक काम करती हूँ, आपने सीख लिया है कि सिंपल क्या होते हैं. अच्छा, अफर्मेटिव नेगेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव, भाई ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारे सिंपल थे, याद है पहले की क्लास, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, याद है सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. हो सकता है एग्जाम में ये आए. देखो भाई जो एलडीसी वगैरह का एग्जाम है उसमें तो ये मेंशन ही है कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू अफर्मेटिव, ये आ रहा है आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है. इसके अलावा कुछ एग्जाम्स में ये सिलेबस भी मेंशन है कि सिंपल को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स, ऐसे चेंज करना. मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपके पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, आपको बहुत ईजी रहेगा. 5 मिनट और बस आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की स्थिति समझाती हूँ. आपके सामने जो पहला सेंटेंस लिखा है, आप मुझे बताइए ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, चेक करके बताएंगे. गुजरात से प्रणाम जी. ओके प्रणाम आनंद गुप्ता. कराएंगे क्लोज टेस्ट भी कराएंगे भाई. सिंपल है पक्का, किसी को ऐसा तो नहीं लगता? जतिन पटेल जी कह रहे हैं काश मैंने आपकी क्लासेस पहले ली होती. देखो समय की एक खराब बात है कि जो बीत गया वो वापस नहीं आता, और समय की एक अच्छी बात भी है कि वो अभी भी है. हियरिंग द बेल द बॉय वॉक अप, मैंने आपको पहचान बताई थी, शायद सबने सही लिखा है. ये सिंपल सेंटेंस है भाई, इसमें कोई कंपाउंड, ये जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो बीच बीच में से नए बच्चे आकर लिख रहे हैं, तो पूरी क्लास को देख लें. आपको समझाया गया था कंपाउंड में आपको कोई कंजंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन है? कॉम्प्लेक्स का कोई कंजंक्शन है? वर्ब कितनी है? अच्छा छोड़ो, वर्ब बताओ मुझे किन के. यार इतनी सिंपल बात बताइए, अगर एक वर्ब है तो सिंपल है, तो गौर करो पहले. क्या हियरिंग यहाँ पर एक वर्ब है? बोलो क्या हियरिंग यहाँ पर वर्ब है? भाई वर्ब नहीं है. अगर वर्ब होती तो इससे पहले कोई इज़ और वोज़ और कुछ तो होता, हेल्पिंग वर्ब होती, तो हियरिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है. ओके आगे बढ़ता हूँ. द बॉय वॉक अप, क्या वॉक अप एक वर्ब है? जी हाँ, इसका सब्जेक्ट है द बॉय. इसका मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है. कैसा सेंटेंस है बेटा? सिंपल. पता नहीं है क्या? अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना देगी. कंपाउंड में दो वर्ब, कॉम्प्लेक्स में दो वर्ब, सिंपल में एक वर्ब. चेक करो, चेक करते हुए देखा एक ही वर्ब है, क्योंकि वो तो वर्ब है ही नहीं. ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस में लिखा है कि बेल की आवाज़ सुनकर, या बेल सुनकर, बेल को आवाज़ मान लो, बेल की आवाज़ सुनकर बच्चा उठ गया, लड़का उठ गया. अब हमें इसका बनाना है कंपाउंड. अच्छा कंपाउंड में आपको मैंने बताया था, आप भी ट्राई कर सकते हैं, दो काम हुए हैं. क्या काम हुआ है? बेल को सुना है और लड़का उठा है. कंपाउंड में हमें कुछ कंजंक्शन यूज़ करने थे. क्या ये कुछ उल्टे कंजंक्शन हैं, मतलब उल्टे सेंटेंस हैं कि बेल भी सुनी फिर भी नहीं उठा, ऐसा कुछ है? बेल सुनी और लड़का उठ गया, या ये सेंटेंस आपने कहा, ऐसे सेंटेंसेस कैसे कहलाते हैं? पैरेलल एक्शन. पैरेलल एक्शन को आप कैसे बना सकते हैं? एंड से बना सकते हैं. और सिंपल सा तरीका आपके सामने
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, द बॉय हर्ड द बेल। ये हियरिंग का काम भी किसने किया है? इस लड़के ने ये किया है, क्योंकि यही इसका सब्जेक्ट है। ये बेल की आवाज सुनना भी इस लड़के ने किया। आपने कहा द बॉय हर्ड द बेल एंड ही वॉक अप। अब आप कहेंगे मैम एंड का यूज क्यों किया? क्योंकि मुझे कंपाउंड सेंटेंस बनाना था। देखो भाई, ये सिंपल सा तरीका है सिंपल टू कंपाउंड चेंज करने का। अच्छा, अगर बट यूज करना होता तो यहाँ तो नहीं कर सकती। हाँ, कोई और सेंटेंस होता कि इतनी तेज तेज आवाज हो रही थी फिर भी लड़का नहीं उठा। येट बट यूज कर सकती थी मैं, है ना? या तो तुम ये काम कर दो वरना तो ये हो जाएगा, तो और का यूज कर सकती थी। ना तो ये किया ना वो किया, नोर का यूज कर सकती थी। मैं स्कूल गया इसलिए अच्छे मार्क्स आए, सो का यूज कर सकती थी। पर इतना सेंस तो आप देखोगे ना कि लड़के का उठना और बेल का सुनना पैरेलल एक्शन है, और कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो ये कॉम्युलेटिव है, कॉम्युलेटिव है तो हमें किसका यूज करना? एंड का यूज करना है। अब आप देखो, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब एंड कंजंक्शन, इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई सेंस बदल गई? क्या कोई सेंस बदली है? कोई सेंस नहीं बदली। अगला तीसरा सेंटेंस, अब आप देखिए कि जब मुझे बनाना था कॉम्प्लेक्स तो मैंने बनाया द बॉय वॉक अप। भैया आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करना होता है? जब दो सेंटेंसेस होते हैं, एक को इंडिपेंडेंट बनाना है और एक को डिपेंडेंट बनाना है, पर ये तो इंडिपेंडेंट एक्शन है, डिपेंडेंट एक्शन है ना, ये तो डिपेंड कर सकते हैं हम, ये थोड़ा ना, तो इसको लिखना पड़ेगा आगे द बॉय वॉक अप। अब वॉक अप, अब दूसरा दूसरी बात थी ही हर्ड द बेल। अब बात तो हमने लिख दी पर हम इसे एंड बट नहीं यूज कर सकते। कौन से कंजंक्शन यूज करने थे याद करिए, क्या क्या कर सकते थे? क्या ये उसका रीजन है? वाई का आंसर है? यस, वाई का आंसर है। तो हम बिकॉज को यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने पूछा लड़का कब उठ गया, बोला कि जब उसने बेल सुनी। वैन का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने कहा बेल की आवाज सुनने के बाद उठ गया, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जैसे ही आवाज सुनी, एज सून एज वो उठ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा, देखो मैंने शुरू में ही आपको एक बात कही थी, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ही बताएं कि इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे किया जाए। भैया ट्रांसफॉर्म अलग अलग तरीके से हो सकता है और सही भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें अलग तरीके से और मैं करूं अलग तरीके से। एक ने कर दिया वेन से, एक ने कर दिया बिकॉज से, एक ने कर दिया एज सून एज से, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, सेंस सही निकलना चाहिए। तो आपने देखा द बॉय वॉक अप, मैंने कहा उठ गया, वेन हर्ड द बेल, जैसे उसने आवाज सुनी, ठीक है? तो जब उसने आवाज सुनी आपका क्लोज हो गया डिपेंडेंट, और लड़के का उठना आगे ले गए क्योंकि ये कोई डिपेंडेंट एक्शन नहीं था। ये था आपका सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आपसे इंग्लिश सीख गया हूँ, सॉरी सीख गया। एमटीएस के टेस्ट हाँ अवेलेबल है। मैम मैं झारखंड के हजारीबाग से हूँ, पहली बार आपकी क्लास देख रहा हूँ। अरे यहाँ वेलकम, बहुत अच्छा समझाती हूँ। थैंक यू रुपेश, थैंक यू मनेंद्र कुमार जी। अगर हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि मैम अगर मैं ये लगाऊं द बॉय वोक अप ऑन हियरिंग द बेल, तो सोच लो कैसा सेंटेंस बना। एक ही वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, ऑन तो प्रापोजिशन है और हियरिंग प्रापोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब आपने जो रखा वो सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस को ही देखो, दूसरे बच्चे ने सिंपल ही तरीके से लिख दिया। भाई एक सिंपल सा तरीका मेरा याद रखिए, सिंपल सेंटेंस मतलब एक ही वर्ब, कंपाउंड दो वर्ब बट कनेक्टर डिपेंड करेंगे, ठीक है? कोई किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, पैरेलल एक्शंस होंगे, ठीक है? तीसरा मैंने कहा कॉम्प्लेक्स, ये इन दोनों से है भी कॉम्प्लेक्स। इसमें हो सकता है एडवर्ब क्लोज बन रहा हो, हाउ का रिप्लाई, वेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, कंडीशन हो, क्या पता, हो सकता है हु हो, क्या पता विच हो, क्या पता व्हाट हो। कॉम्प्लेक्स वाकई में वर्ड है। किसी को भी अगर लगे कि इस क्लास को दोबारा मुझे रिवीजन का लेना चाहिए जिससे आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक्स क्लियर हो, तो इस क्लास को दोबारा से रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आपका बेसिक्स तो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद बचेगी आपकी प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है. इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अपने अपने एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर उठाइएगा, उनको देखिएगा, क्योंकि अब आपका दिमाग इतना ज़रूर क्लियर हो गया है. अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंटारोगेटिव कैसे बनते हैं, उसको ऐसे चेंज करना है, या फिर सिंपल को कंपाउंड कैसे बनाना है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स. तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में नहीं जाना है. ठीक है, चलिए तो अब हम चलें. थैंक यू जी गोलू गुप्ता, अक्षय, वीरेंद्र, निर्मल, क्या हम अभी जा सकते हैं? अच्छा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, बहुत कुछ कुछ सीखने को मिला है, तो मुझे एक थम्स अप, एक मोटिवेशन जरूर भेज सकते हैं. बेशक बहुत सारा मोटिवेशन अभी मेरे पास है, फिर भी हमेशा आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जब मैंने कभी पहली क्लास ली थी तब इम्पोर्टेंट था. ठीक है, ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.